तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो ऑफ वीके एम्पायर ऑफिशियल। एंड दिस वीडियो इज द एरो एक्स वीके कप सीजन 1 और ये फाइनल का मैच है। तो अगर आप लोगों ने अगर मैचेस नहीं देखे हैं तो लाइव स्ट्रीम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, फटाफट से वहां पर जाके पूरे मैच देख सकते हो। एंड ये फाइनल का मैच है तो आप लोग इंजॉय करोगे ही करोगे। चलिए स्टार्ट कर देते हैं यहाँ मैचेस। एंड गाइज, एक और चीज आपके लिए है कि नेक्स्ट टूर्नामेंट भी जल्दी ही स्टार्ट होगा, वीडियो के एंड में आप लोगों को बता दिया जाएगा। गाइज, फर्स्ट राउंड यहाँ पे फैक्ट्री का है, तो टीम्स नेम अगर आपको बता दिया जाए तो टीम्स नेम डेंजर एलिमिनेटर वर्सेस टीम होबिकाइडस द फाइनल्स बिगन। तो इताची ने फर्स्ट राउंड यहाँ पे दे दिया था। इताची यहाँ पे फिनिश्ड आई थिंक हो जाने वाले हैं और उसकी तरफ से भी वहाँ पे एक प्लेयर ने भी डाउन करा है, नेक्सर ने। यहाँ पे इताची खत्म हो चुके, नेक्सर ने सर आई थिंक, तो नेक्सर ने एक और प्लेयर को डाउन करा था। तीनों तरफ से इट मीन्स दोनों तरफ से एक प्लेयर डाउन है। एंड देन यहाँ पे कुछ देर बाद का ये सीन है और यहाँ पे एक ट्रैप सेट करा गया था डेंजर एलिमिनेटर के थ्रू और वहाँ पे होमिकाइटिस वहाँ पे फंस गए थे। एंड ये वाला राउंड उन्होंने निकाल लिया और 0-1 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है। चलिए एलिमिनेटर्स के यहाँ पे एक राउंड उन्होंने निकाल लिया, सेकेंड राउंड यहाँ पे स्टैम पे आया हुआ है और स्टैम को यहाँ पे विन करना पड़ेगा। स्टैम के थ्रू एक बंदा नॉक्ड, इताची वहाँ पे नॉक डाउन थे, एक प्लेयर नॉक हुआ है एलिमिनेटर्स की तरफ से, एक प्लेयर खत्म हो चुका है वहाँ पे होमिकाइटिस की तरफ से। दो बंदे अलाइव हैं उनके, अब देखते हैं कि स्कोर किल्स एंड देन सब। अभी तो बिगिनिंग वाले राउंड्स हैं तो यहाँ पे इतने तो 150 मारे जरूर यहाँ पे स्टैन ने, एक और प्लेयर को यहाँ पे वांटेड, एक प्लेयर को डाउन करा है, एक प्लेयर स्टिल अलाइव है यहाँ पे होमिकाइटिस का। क्या यहाँ पे 1-1 का स्कोर हो पाएगा या फिर और कुछ यहाँ पे हो पाता है आगे? चलिए यहाँ पे क्या हो पाएगा, 1v2 की सिचुएशन है यहाँ पे। और चलिए वांटेड यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, वांटेड स्टैंड स्टिल अलाइव है यहाँ पे, 1v1 की सिचुएशन, एक प्लेयर होमिकाइटिस से अलाइव हैं। ओके चलिए, वो कौन से प्लेयर होने वाले हैं, नाम तो हमको नहीं पता है बट स्टिल एक बार देख लेते हैं। वॉल जरूर तोड़ी, यहाँ पे स्टैंड निकले जरूर हैं बाहर। और ओके यहाँ पे रेबल स्टार है, यहाँ पे रेबल स्टार के यहाँ पे निकाल पा देंगे या नहीं, यहाँ पे डैमेज जरूर पाए, यहाँ पे मेडिकेट का यूज़ करने की ट्राई बट नहीं। यहाँ पे UFB के हेडशॉट के साथ यहाँ पे एक राउंड यहाँ पे होमिकाइटिस ने निकाल लिया अपने लिए। तो गाइज यहाँ पे 3 राउंड्स यहाँ पे हो चुके हैं, मिल वाला जोन स्पॉट है, देखते हैं इस राउंड को कौन सी टीम यहाँ पे विन कर जाती है। ओके चलिए यहाँ पे रेबल स्टार, ओके चलिए नॉकडाउन यहाँ पे हो चुका है दोनों तरफ से। भाई यहाँ पे दो दो प्लेयर नॉकडाउन, देखते ही देखते 3 प्लेयर खत्म हो चुके हैं वहाँ पे एलिमिनेटर्स के, बट यहाँ पे डाउन जरूर हुए थे यहाँ पे। और एक प्लेयर स्टिल आया है, स्नाइपर एक्सपर्ट यानी कि आप बात कर सकते हो स्टैन की। जी हाँ, मैं वही स्टैन की बात कर रहा हूँ जो पिछले राउंड में थे बट वो निकाल नहीं पाते। स्नाइपर वो अच्छे तरीके से चलाते हैं बट उनके सामने एक विनी वेपन थी, तो वो मतलब शॉर्ट रेंज वेपन्स। एंड यहाँ पे 1v4 की सिचुएशन है, स्टैन अलाइव है, 3 किल जरूर है इनके। और यहाँ पे रेबल स्टार के भी 3 है, 2 इताची, नेक्सर 2 और यहाँ पे 1 किल है किडनी आई थिंक, सो वही सही प्रोनाउंस करो, छोटी स्क्रीन है। देन 0 किल है उनके। और चलिए वो राउंड भी उन्होंने निकाल लिया था और जब हम देख रहे थे। एंड देन 4th राउंड की स्टार्टिंग यहाँ पे हो चुकी है, जो कि क्लॉक टावर का जून स्पॉट आया हुआ है। इताची यहाँ पे नीचे से जा रहे हैं, क्या कुछ अलग करने की फिराक में है? अब जैसा करेंगे वो अपनी टीम के बेनिफिट्स को यहाँ पे देखेंगे कि उनकी टीम को बेनिफिट क्या होता है। एक 1 शॉट यहाँ पे पड़ा जरूरी है ओम का यहाँ पे। चलिए स्टैन के थ्रू यहाँ पे इताची डाउन हो चुके हैं, उनकी तरफ से एक एक प्लेयर भी डाउन हुए हैं यहाँ पे। यहाँ पे इताची भी डाउन हुए थे और किडनी भी डाउन हुए थे, वो खत्म हो चुके हैं। इन दी इताची स्टिल अलाइव, वो भी खत्म हो चुके हैं। और 3v2 की सिचुएशन, एक प्लेयर उनका रिवाइव होगा कि नहीं होगा यहाँ पे? ओके चलिए, मिस्टर कृष्ण एक और प्लेयर को डाउन करा, अंदर आ चुके हैं और देखते ही देखते 2-2 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है। तो जोन स्पॉट है पीक और राउंड्स हो चुका है 5, यानी कि 5th राउंड की स्टार्टिंग है। एक प्लेयर डाउन हो चुके हैं यहाँ पे, एलिमिनेटर्स ने एक प्लेयर को डाउन करके खत्म उनको कर दिया आई थिंक। तो रिवाइव यहाँ पे इताची को ही वो लोग टारगेट कर रहे हैं, पता नहीं क्यों यहाँ पे। ओके चलिए यहाँ पे एक और प्लेयर डाउन हुए, चलते इताची डाउन हुए, किडनी यहाँ पे डाउन हो चुके हैं, एक प्लेयर स्टिल अलाइव, ओनली एक ही बंदा अलाइव है, या कुछ कर पाने वाले हैं यहाँ पे? उनके तरफ से भी प्लेयर डाउन हुए बट नहीं। यहाँ पे 2-3 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है, एलिमिनेटर्स ये वाला राउंड जीत चुके हैं। और अगला राउंड यहाँ पे स्टार्ट होता है, उस राउंड का नाम है यानी कि जोन स्पॉट अगर बात करी जाए तो यहाँ पे मार्स एक्ट्रेस होने वाली है। तो चलिए 6th राउंड की यहाँ पे स्टार्टिंग है, तीनों प्लेयर साथ में होमिकाइटिस के यहाँ पे, किडनी ओके चलिए एक डाउन यहाँ पे निकालेंगे किडनी यहाँ पे, इताची भी डाउन हुए उनकी तरफ से भी। तो यहाँ पे राउंड्स ओके नहीं भाई, किडनी भी डाउन हो चुके, दो दो प्लेयर्स उनकी तरफ से यहाँ पे डाउन है, 2v3 की सिचुएशन, देखते देखते यहाँ पे खत्म हो चुका है। एकदम रशिंग गेम प्ले यहाँ पे एलिमिनेटर्स के थ्रू यहाँ पे कर रहा था, वाप डालने की ट्राई यहाँ पे पूरी तरीके से करी जा रही है। चलिए नेक्स्ट राउंड यहाँ पे आ चुका है, जोन स्पॉट और राउंड्स की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे 7th राउंड है और जोन स्पॉट ऑब्वियसली यहाँ पे
रिम नाम विलेज है यहाँ पे। तो चलिए सेवंथ राउंड, फर्स्ट राउंड कौन देता है यहाँ पे, कौन सी टीम, कौन सा प्लेयर देता है यहाँ पे फर्स्ट राउंड? सैन ने दे दिया है गाइस, तो वो खत्म हो चुका है। और यहाँ पे 4v3 की सिचुएशन, एक प्लेयर डाउन जरूर उठे हैं वांटेड के थ्रू यहाँ पे वन शॉट डेजर्ट ईगल से। ओके ओके, अंदर आ चुके हैं यहाँ पे ओम से, उनका स्वागत करा जा रहा है। क्रिश ने एक प्लेयर को अंधी ताची को यहाँ पे डाउन कर दिया, ताची भाई एनजी ताची पिछले मैच में मस्त खेले थे, बट वांटेड यहाँ पे। ओके चलिए, यहाँ पे 2-5 का स्कोर यहाँ पे देखते ही देखते हो चुका है, कुछ आपको स्टोरी बताने लगा उसकी तरह से वहाँ पे, सॉरी फॉर दैट। बट नेक्स्ट राउंड की तरफ बढ़ते हैं। इस राउंड की अगर बात करी जाए तो गाइस 8th राउंड है, और इस 8th राउंड में यहाँ पे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, होमी कार्ड इसकी हम वापसी करनी पड़ेगी। ये वाला राउंड देख, ओके चलिए यहाँ पे ताची ने शुरुआत कर दी है नॉक की, तो यहाँ पे होमी कार्ड इस। ओके एक प्लेयर डाउन हुए हैं यहाँ पे, वांटेड डाउन हुए जरूर हैं, क्रिश उनको रिवाइव करने आए जरूर हैं। क्या क्रिश उनको रिवाइव करने आ पाएंगे? नेक्सर पीछे से आ चुके हैं, नेक्सर उनको मार पाएंगे नहीं मार पाएंगे? नेक्सर भी नहीं मार पाए उनको। और यहाँ पे देखते ही देखते एक प्लेयर स्टिल अलाइव है ओनली होमी कार्ड इसका, वो भी यहाँ पे ख़त्म होते हुए अपने को दिखने जाएंगे। और यहाँ पे 2-6 का स्कोर यहाँ पे हो चुका है देखते ही देखते। तो 9th राउंड यहाँ पे, और होमी काइडिस को यहाँ पे निकालने पड़ेंगे राउंड्स, क्योंकि अगर उन्होंने नहीं निकाले तो फिर पूरी तरीके से वो बैकफुट पे चले जाएंगे। और ये वाला राउंड वैसे भी डूबड़ाई होने वाला है, क्योंकि इसके अगले वाला राउंड अगर निकाल लिया तो फिर वहाँ पे जीत जाएंगे। नेक्स्ट का एक फिनिश जरूर था यहाँ पे। ओके दो किल यहाँ पे आ चुका है, क्रिश को भी डाउन कर लिया, तीसरे को भी यहाँ पे डाउन कर लिया, वांटेड को भी, स्टिल एक प्लेयर अलाइव, एक प्लेयर डाउन जरूर हुए होमी काइडिस के थ्रू से। बट भाई पाइजन जो चलाई यहाँ पे नेक्स्ट ने एस निकाल लिया और 3-6 का स्कोर यहाँ पे कर दिया। तो लास्ट राउंड होगा या फिर सेकंड लास्ट राउंड होगा या फिर और राउंड अपने को देखने को मिलेंगे, वो बात अपने को तभी पता लगी जब यहाँ पे ये वाला राउंड यहाँ पे होमी कार्डिस निकालेंगे। तो देखते हैं निकाल पाते हैं नहीं निकाल पाते। यहाँ पे रबल स्टार रन जरूर दे रहे हैं प्लेयर को, और यहाँ पे नेक्सर यहाँ पे डाउन हुए, तो एक डाउन यहाँ पे दे दिया है और एक डाउन यहाँ पे एलिमिनेटर्स ने भी दे दिया है अपने प्लेयर को। ओके दूसरा डाउन यहाँ पे पड़ चुका है, तो 2v2 की सिचुएशन यहाँ पे, दो दो डाउन यहाँ पे नॉकडाउन बंदे हो चुके हैं स्टैन की तरफ से। यहाँ पे एक और शॉट, एक और प्लेयर डाउन है, एक प्लेयर स्टिल लाइव है, और यहाँ पे डेंजर एलिमिनेटर्स यहाँ पे ये वाला विन कर गई है टूर्नामेंट। तो चलिए इस शॉट के साथ और इस राउंड के विन के साथ यहाँ पे एलिमिनेटर्स ने यहाँ पे ट्रॉफी उठा ली। और गाइस ये टीम नेक्स्ट लेवल है, इसका गेम प्ले एकदम नेक्स्ट लेवल है। और अगर किल्स की अगर बात की जाए तो यहाँ पे वांटेड 10 किल यहाँ पे, 7 किल्स स्टैन के जो कि स्नाइपर यूज़ कर रहे थे उनकी तरफ से, प्रोटेक्टर का काम कर रहे थे यहाँ पे, वांटेड के भी 7 किल्स हैं, क्रैश यहाँ पे 7 किल्स हैं, और होमी कार्ड इसकी तरफ से 6 किल यहाँ पे, रबल स्टार नेक्सर की तरफ से 6 और 2 किल ताची एंड 1 किल यहाँ पे किडनी की तरफ से। तो फिर यहाँ पे अच्छे तरीके से खेले हैं, बट स्टिल नीचे की तरफ से होमी कार्ड इसकी टीम की तरफ से यहाँ पे थोड़ा बहुत रिस्पांस नहीं आया, देन इसी वजह से वो लोग यहाँ पे 7-3 का बहुत ही अच्छी तरीके से मैं बोलना चाहूँगा कि विनर ऑफ द एरो एक्स वीके कप सीजन 2 इज डेंजर एलिमिनेटर्स। और ये स्क्रीनशॉट आप लोगों के सामने यहाँ पे दिख जाएगा, जो फर्स्ट प्राइस था यहाँ पे 700 रुपीज का, वो पारस को मैंने सेंड कर दिया था जो कि वहाँ पे लीडर है। तो गाइज ये 100 रुपीज़ यानी कि MOT हाईएस्ट किलर ऑफ द टूर्नामेंट यहाँ पे टीम फ्लेम के एक प्लेयर को मिले थे, उसका नाम मेरे को अच्छे तरीके से याद नहीं आ रहा क्योंकि बहुत मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ। एंड देन गाइज डिटेल्स आप लोगों के सामने और होगी नेक्स्ट टूर्नामेंट्स की, अगर आपको पार्टिसिपेट करना है नेक्स्ट टूर्नामेंट में तो फटाफट से आप लोग मेरे को वहाँ पे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगे तो फटाफट से अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। एंड गाइज मिलते हैं अगली वीडियो में, स्ट्रीम में।